नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आगरा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फूंका चुनावी बिगुल, कांग्रेस बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर चलाए शब्दों के तीर, कहा बीजेपी ने सांप्रदायिकता को किया मजबूत। उमर अब्दुल्ला की राष्ट्रपति से मुलाकात पर भड़के बीजेपी नेता राम माधव, ट्विटर पर भिड़े दोनों नेता, माधव ने मुलाकात को बताया राजनीतिक फायदा उठाने वाला। आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी नरम, रघुराम के विदेश प्रेम और नीतियों की जमकर आलोचना कर चुके हैं स्वामी, केन्या के नागरिक रह चुके हैं उर्जित पटेल। मुंबई से आईएसआईएस में शामिल होने गए मुस्लिम कारोबारी परिवार के 5 मेंबर, परिवार के सदस्यों को एसएमएस से दी जानकारी, मुस्लिम उपदेशक मोहम्मद हनीफ से क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ। और पोर्ट ऑफ स्पेन में बारिश बनी खलनायक, तीसरे दिन का खेल भी बारिश के भेंट चढ़ा, टेस्ट ड्रॉ होने की उम्मीद, छिन जाएगा टीम इंडिया के नंबर वन का ताज। और अब देखते हैं आज की कुछ और बड़ी खबरें। आगरा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए नामक रैली से चुनावी अभियान की शुरुआत की और बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर एक एक कर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा और भाजपा की नीयत और नीति को जनता समझ चुकी है, इस बार बीएसपी को सत्ता में आने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार आने से यह न्याय और अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान बीजेपी ने विकास नहीं किया बल्कि आरएसएस के एजेंडे पर चलते हुए सांप्रदायिकता को ही मजबूत किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करने की ये लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी ऐसा होने नहीं देगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के महासचिव राम माधव के बीच सोशल मीडिया पर कहासुनी हो गई, ट्विटर पर दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधा। इस जंग की शुरुआत राम माधव के ट्वीट के बाद हुई थी। दरअसल शनिवार को जम्मू कश्मीर के विपक्षी दल के नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। इस मुलाकात का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला ने ही किया था। माधव ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन अब्दुल्ला ने उनका नाम लेकर ट्वीट किया। माधव ने लिखा था, राजनीतिक समाधान निकालने वाली मुलाकातें राजनीतिक फायदा लेने के लिए होती हैं, इससे राज्य की स्थिति सामान्य नहीं होगी बल्कि इससे राज्य में तनाव और पैदा होगा। माधव का ये ट्वीट अब्दुल्ला को पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि माधव को नाम लेकर बात करनी चाहिए। मुंबई के एक बिजनेसमैन परिवार के 5 लोग इस साल जून में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए देश छोड़ चुके हैं। जिस वक्त 26 साल का अशफाक अपनी पत्नी, नवजात बच्ची और 2 चचेरे भाइयों मोहम्मद सिराज और एजाज रहमान के साथ विदेश जा रहा था, उस वक्त उसके परिवार को इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो आतंकी संगठन से जुड़ने जा रहे हैं। जून के आखिरी हफ्ते में अशफाक ने अपने छोटे भाई के मोबाइल पर मैसेज भेजकर बताया कि वो आईएसआईएस के अधिकार वाले क्षेत्र में बस गया है और अब वो वापस नहीं आना चाहता। मैसेज के आखिर में अशफाक ने लिखा कि वो अम्मी और अब्बू का ख्याल रखे। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया मुस्लिम उपदेशक मोहम्मद हनीफ से पूछताछ कर रहे हैं जो फिलहाल क्राइम ब्रांच की हिरासत में है, उस पर अशफाक और अन्य लोगों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है। आरबीआई के मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन की नीति और विदेश प्रेम को लेकर आलोचना करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अगले गवर्नर अर्जित पटेल को लेकर नरम नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी आलोचना करना मूर्खता होगी। उर्जित के केन्या के नागरिक होने के बारे में पूछे गए सवाल पर स्वामी ने कहा वो केन्या के नागरिक हैं नहीं बल्कि थे। रघुराम राजन भारत में जन्मे और 2007 के बाद से भारत में रहने के बावजूद अमेरिका ग्रीन कार्ड रखे हुए हैं। आपको बता दें कि रघुराम राजन द्वारा ऊंची ब्याज दरें रखने को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर जबरदस्त हमला किया था और कहा कि उनकी नीतियां भारत के लिए सही नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि रघुराम को वापस शिकागो भेज देना चाहिए। टीम इंडिया के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन से बुरी खबर आ रही है, तीसरे दिन का खेल भी बारिश की भेंट चढ़ गया और आने वाले 2 दिनों में भी बारिश की आशंका बताई जा रही है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का आखिरी मैच ड्रॉ पर खत्म होगा। मैच अगर ड्रॉ होता है तो टीम इंडिया नंबर 1 टेस्ट टीम नहीं रह जाएगी और उसकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम नंबर 1 का ताज संभालेगी। हालांकि सीरीज टीम इंडिया पहले ही 2-0 से अपने नाम कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका के टेस्ट सीरीज में 3-0 क्लीन स्वीप के बाद टीम इंडिया टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गई थी।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को शनिवार को गोवा आरएसएस प्रमुख सुभाष वेलिंगर की अगुवाई वाले संगठन के सदस्यों ने काले झंडे दिखाए। संगठन प्राथमिक स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की पैरवी कर रहा है और राज्य में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में सरकारी अनुदान रोकने की भी मांग कर रहा है। ये घटना तब हुई जब अमित शाह पणजी के पास में बीजेपी कार्यकर्ता की एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच वेलिंगर की अगुवाई वाला संगठन है। ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को सरकारी अनुदान को वापस लेने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के साथ दोस्ती के पारंपरिक रिश्तों को और बेहतर बनाने का संकल्प जताते हुए वहां के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को भारत की यात्रा पर आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने नेपाल के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिमलेंद्र निधि के मार्फत ये आमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में बताया गया है कि मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने प्रचंड के नेतृत्व वाली नई सरकार को अपनी शुभकामनाएं दी और अपनी सुविधा अनुसार भारत की जल्द से जल्द यात्रा पर आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते सिर्फ दो सरकारों के बीच नहीं बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच है और भारत नेपाल के लोगों के साथ दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों के इस पारंपरिक बंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिसंकल्पबद्ध है। अफगानिस्तानी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने चमन स्थित बाव दोस्ती द्वार पर हमला कर दिया और पाकिस्तानी ध्वज जला दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सटी अपनी सीमा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार लादान में शामिल और अफगानिस्तान में नाटो बलों को जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले ट्रकों की आवाजाही रुक गई है। सूत्रों ने कहा कि अपने देश का 97वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा अफगानी नागरिक बड़ी संख्या में सीमा पार स्पिन बोलदक शहर की सड़कों पर मार्च करने के बाद मैत्री द्वार के पास एकत्रित हुए थे। उनके हाथों में बैनर और तख्तियां थी जिन पर पाकिस्तानी विरोधी नारे लिखे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज दोबारा दोहराया कि चंडीगढ़ पर केवल पंजाब का हक है और कांग्रेस ने राज्य से बड़ा भेदभाव करके इसे राज्य से छीना है। बादल ने यहां संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की 31वीं बरसी के मौके पर राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि समारोह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में कहीं भी और ऐसी मिसाल नहीं है जहां किसी राज्य को उसकी राजधानी से बेमुख किया गया हो, लेकिन पंजाब के साथ बड़ी ज्यादती करते हुए कांग्रेस की केंद्र में रही सरकार ने चंडीगढ़ को उसे नहीं दिया, जबकि 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोकसभा में घोषणा भी कर दी थी। बादल ने कहा कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि मूल राज्य पंजाब का उसकी राजधानी शहर चंडीगढ़ पर पूर्ण अधिकार है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नरसिम्हा राव पर निशाना साधा है। जेटली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कोई बड़े आर्थिक उदारवादी नहीं थे और उन्होंने नेहरूवादी अर्थव्यवस्था की विफलता के चलते मजबूरी में सुधारों की शुरुआत की थी। उनके मुताबिक नेहरूवादी अर्थव्यवस्था से भारत पीछे रह गया था जबकि उसके दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोगी आगे निकल गए थे। जेटली ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति से बचने के लिए राव नेहरूवादी सोच से बाहर निकलने के लिए मजबूर थे जिनके शासनकाल में 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। जेटली ने कहा कि नरसिम्हा राव कोई बड़े आर्थिक सुधारक या बड़े आर्थिक उदारवादी नहीं थे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ।